आज उससे आगे कंटिन्यू करते हैं, आज उससे आगे का कंटिन्यू करते हैं बच्चों, ठीक है? Yes, sir. अभी बताइए चलिए हमको, हम बोर्ड पे हमने क्या लिखा है, व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा हमने? 45 बच्चों हमको बताइए इसमें नंबर ऑफ वंस एंड नंबर ऑफ टेंस। 4 tens are 5 ones are. वेरी गुड शिवम, वेरी गुड। नित्या बेटे आप भी रिप्लाई कीजिए, आंसर दीजिए नित्या। और साथ साथ एक बात और कर सकते हैं शिवम इसमें हम, कि यहाँ पर 45 वंस भी है, ठीक है? अगर हम टेंस में नहीं बताना चाहते हैं, टेंस में नहीं बताना चाहते, तो कितने वंस कितने टोटल हैं? The ones हो गए 45. जैसे जैसे देखो नाइन वंस प्लस वन वन कितना हो जाएगा बच्चों? 10 वंस कितना हो जाएगा? अगर हम क्या करें, 9 वंस में 1 1 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा शिवम? 10 वंस मींस, अब 10 वंस बोले आप क्या बोलते हैं इसको? इसको एक बात और बोल सकते हैं, 1 10 1 10। ओके यस सर। ओके चलो फिर आगे आप थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक है? आप कल बता रहे थे जैसे अब क्या लिखा हमने? 3 tens. लिख दिया हमने। अगर हम इसमें 9 वंस को ऐड कर दें बच्चों, कितने वंस? 9 वंस तो क्या हो जाएगा, की वैल्यू क्या पहुंच जाएगी? बताओ शिवम, 3 tens प्लस 9 वंस कर दे तो क्या हो जाएगा? 39 कैसे हुआ बताओ? 3 tens हो जाएगा 30 और फिर 9 वंस, तो 9 ही रहेगा तब वंस लगेगा तब। वेरी गुड, 3 tens मीन्स 30 प्लस 9 वंस मीन्स 9 इक्वल है किसके? 39 के, 39 के इक्वल है। ओके अब हम इसी में करना चाहते हैं क्या, हम इसमें करना चाहते हैं 10 वंस 3 tens plus 10 वंस 3 tens and plus 10 वंस तब बच्चों बताओ क्या हो जाएगा? 40 का आंसर है, 40। हाँ 40 कैसे हुआ? क्योंकि 3 tens तो 30 होगा, उसके बाद 10 वंस तो 10 ही होगा। देखिए बच्चों ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिए 3 tens है ये प्लस
टेन वंस अभी मैंने बताया, टेन वंस किसके इक्वल होता है, टेन वंस वन टेन के इक्वल होता है, वन टेन के किसके इक्वल, वन टेन। टोटल कितने हो गए, थ्री प्लस वन फोर टेन हो गए, कितने हो गए तो थर्टी प्लस टेन इक्वल्स फोर्टी। अब फोर्टी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, फोर्टी को हम फोर टेंस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फोर टेंस है कि नहीं, यस सर। हाँ तो हम सीधे सीधे बात कहना चाहते हैं, अगर थ्री टेंस प्लस टेन वंस है, थ्री टेंस प्लस वन टेन टेंस वंस है, हमको सीधे सीधे फोर टेंस भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। ओके यस सर। हाँ बच्चों चलिए आगे देखते हैं। क्या लिखा हो बच्चों, नाइन। बताइए नाइन में कितने टेंस हैं, हाउ मेनी टेंस इन नाइन, नाइन में टेंस नहीं है, नहीं है तो क्या करोगे, कितने लिखेंगे, तो टेंस में तो जीरो ना होगा, तब वंस में नाइन होगा। हाँ बिल्कुल सही, टेंस में जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे टेंस वाली वैल्यू तो है ही नहीं, टेंस वाली वैल्यू तो है ही नहीं तो जीरो, और वंस में क्या लिखा जाएगा, सीओम में टे वंस में लिखा जाएगा ना, हाँ नाइन, नाइन वेरी गुड वेरी गुड। अब चलिए इसको हम कर देते हैं थोड़ा चेंज, और चेंज कर देते हैं इसको, हम कर देते हैं आपके अब बताइए हो गया थ्री टेंस हो जाएगा और फिर जीरो वंस, वंस यहाँ पे जीरो है ना, यस सर। वंस यहाँ पे जीरो, जीरो वंस प्लस क्या है, जीरो दिख रहा है हमको, जीरो हो जाएगा, वेरी गुड। ओके चलिए आगे चलते हैं, शिवम टेबल आपको कहाँ तक लगना है, टेबल टेन तक याद है, वेरी गुड बेटा। चलिए आप हाँ बताइए इसका क्या होगी वैल्यू, हाँ बताइए क्या होगा इसका, हाँ तो बेटा 48 की स्पेलिंग बताइए आप, स्पेल कीजिए उसे, 4 टेंस तो हो जाएगा 40, तो फिर 8 वंस तो एक ही होगा। हाँ बेटा हमको, हमने स्पेलिंग पूछा आपसे, 48 के स्पेलिंग से बताइए, हाँ विद स्पेलिंग बताइए, 48 हो ही गया,
स्पेलिंग बताइए बच्चों, एफ ओ आर टी वाई फोर्टी ई आई जी एच टी एट। वेरी गुड। फोर्टी एट हमारा हो गया। ओके यस सर। हाँ अब हम क्या करते हैं, 4 tens में जो है क्या ऐड कर देते हैं, 10 ones को ऐड कर देते हैं, 10 ones को ऐड कर देते हैं। तब बच्चा बच्चों क्या हो जाएगा, 4 tens में हमने 10 ones को ऐड कर दिया, तब इसका आंसर 50 होगा। हाँ 50 हो जाएगा। 4 tens इसको 1 tens भी ले सकते हैं, 10 ones को, 10 ones को 1 ten भी ले सकते हैं बच्चों। यस सर। हाँ 1 ten। हो जाएगा 5 tens, हो जाएगा टोटल 50। ओके क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। शिवम 50 के स्पेलिंग बोलिए, FIFTY 50। वेरी गुड बेटा। चलिए अब थोड़ा सा हट के देख लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। यस सर। कल मैंने थोड़ा एडिशन बताया था, सबस्ट्रक्शन बताया था, ठीक है। कल मैंने एडिशन और सबस्ट्रक्शन बताया था थोड़ा बहुत, आज उसको थोड़ा सा देख लेते हैं और क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। शिवम नोट कीजिए और करिए इसको जल्दी से, ठीक है। 5 7 + 5 होगा 12। कैसे आया शिवम बताइए, देखिए अपने से किया हो पापा से पूछे हो, मुझे पता है आपको आ रहा था अपने से। यस सर। अच्छा चलिए खुद से करने की कोशिश किया करो, अगर नहीं आता तो हमसे पूछो, ठीक है। ओके यस यस सर। देखिए बेटा कैरी वाला आपको आ रहा है मतलब क्वेश्चन, चलिए ठीक बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। हाँ हमने क्या किया, 7 7 में 5 को ऐड करना था, तो 7 के बाद हम काउंट कर लेंगे फिंगर्स पर, 8 9 10 11 12 12 पे हमारा आ रहा 5, हम क्या करेंगे 12 का हम केवल 2 ones वाला जो पार्ट होता है बेटा, जो ones वाला पार्ट होता है हमको उसको क्या करना होता है, नोट डाउन करना होता है
और जो हमारा टेंस वाला पार्ट है बच्चों, डिजिट है, टेंस वाला डिजिट है, वो जाएगा कैरी, वो जाएगा कैरी। ओके, हमारा टू हो गया, वन चला गया कैरी। ओके यस सर, हमारा वन कैरी आ गया। अब कैरी को भी हमें ऐड कर देंगे बच्चों, कैरी को भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए, सिक्स प्लस फाइव पहले कर लें, सिक्स प्लस फाइव कितना हो जाएगा, तो हम फिंगर्स पे फिर काउंट करेंगे, सेवन एट नाइन टेन इलेवन, कहाँ पहुंच रहे हैं हम, इलेवन पर, इन दोनों को ऐड करने पर, सिक्स और फाइव को ऐड करने पर हम इलेवन पहुंच गए। ओके, हम क्या करेंगे, इलेवन में वन को और ऐड करेंगे, क्योंकि कैरी भी तो आया था, वन ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, वन ऐड करेंगे ट्वेल्व हो जाएगा, ट्वेल्व को फिर टू क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, और वन क्या आएगा हमारा कैरी, फिर से थ्री और टू, थ्री और टू, थ्री और टू ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, फाइव, फाइव में वन और ऐड कर देंगे, हो जाएगा सिक्स, कितना हो जाएगा बच्चों, सिक्स। तो 622 आंसर आपका सही था, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। चलिए अब इसी क्वेश्चन को करना है हमको, मगर माइनस सबस्ट्रैक्ट करना है। अब शिवम बेटा करके दिखाइए, खुद से कीजिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। ओके, 112 यस सर, अभी भी कुछ मिस्टेक है। शिवम बेटा अभी मिस्टेक है, कहीं गलत है। हम बताएं कैसे करना होता है इसको, बताइए। ओके, तो बच्चों ध्यान दो, सबसे पहले हम सब देखेंगे क्या, हमको सबसे जरूरी होता है क्वेश्चन कोई भी आए अगर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमको सबसे जरूरी पहले क्या चेक करें, करना क्या है हमको उसमें, तो सिंबल पहले चेक करेंगे, अगर सिंबल माइनस है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर पॉजिटिव प्लस का सिंबल होगा तो क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, बट हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ओके यस सर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम दिस, ठीक है। तो पहला देखते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या देखते हैं, सेवन है ऊपर, फाइव है नीचे, मींस सेवन में से फाइव को सब्ट्रैक्ट करना है, सेवन में से फाइव को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर सेवन बड़ी है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इजिली, सेवन अगर बड़ी है तो इजिली क्या करेगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बट अगर सेवन छोटा हो, ये नीचे जो उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है वो बड़ा होता, अगर ये बड़ा होता है सब्ट्रैक्ट करने वाला तो थोड़ी प्रॉब्लम आती, तो उसके लिए देखते क्या होता है, ठीक है। बट यहाँ तो इजिली से हो जाएगा, सेवन फाइव जा सकता है, चला जाएगा, तो सेवन हमारे पास है, सेवन है हमारे पास, ओके यस सर, उसमें हमको क्या करना है, फाइव को क्या करना है, लेस करना है फाइव, तो ये फाइव तो है, इसको हटा दे तो कितना बचेगा, ओनली टू बचेगा, ओनली क्या बचेगा, टू, टू, सेवन में फाइव जाएंगे हो जाएगा टू, क्या बचेगा, टू बचेगा। ओके यस सर, अब सेकंड नंबर पे जब आते हैं, ठीक है, सेकंड डिजिट पे जब पहुंचते हैं, देखते क्या है हम लोग कि बच्चों हमको फाइव में सिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है,
फाइव में से सिक्स को सब्सट्रैक्ट करना है, तो फाइव बड़ा होता है सिक्स, फाइव बड़ा होता है सिक्स, बच्चों बड़ा सिक्स होता है, सिक्स बड़ा होता है ना, तो यस सर, बड़े में छोटे में बड़ा जाएगा नहीं जा पाएगा नहीं। अगर आपके पास फाइव रुपीज ही है तो मैं आपसे सिक्स रुपए मांगू अगर, तो आप दे पाओगे? नहीं नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी फाइव रुपीज है, देन आप कैसे दे सकते हो? ठीक है, तो ऐसे ही सेम जब यहाँ पर वैल्यूज की फाइव ही है तो सिक्स कहाँ से वापस दे सकता है? ठीक है, तो क्या करेगा, कैरी लेगा, क्या लेगा, कैरी बारो लेगा, इसे बारो करेगा, ठीक है, वन बारो करेगा, ओके। तो बच्चों जान लो एक बार, जब ये वन बारो करेगा तो ये सिक्स नहीं होगा, ये हो जाएगा फिफ्टीन, क्या बन जाएगा, फिफ्टीन, ये बन जाएगा फिफ्टीन, क्या बन जाएगा फिफ्टीन, इससे बारो किया तब, इससे बारो किया तब फिफ्टीन बन गया। अब फिफ्टीन में बच्चों सिक्स को लेस कर देंगे, 15 में 6 को लेस कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें, बोलो बात एक ही है, ओके। तो हम क्या करेंगे, 15 में 6 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा, तो 9 आएगा, वेरी गुड, 9 आ जाएगा, 9 हमने लोगों लिख दिया। अब यहाँ क्या बचा है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या बचा है, 3 है, 3 और 3 माइनस 2 नहीं, 3 नहीं बचा है वहां पे। सोचो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना एक बारो दे दिया था ना इनको, बगल वाले को वन बारो दे दिया था ना, तो तब इनके पास क्या बचा, ओनली 2 बचा, 2 ओनली 2, क्योंकि इन्होंने क्या था, ये 3 थे इनके पास, 3 था बट इन्होंने एक दे दिया अपना, 1 दे दिया, अब इनके पास बचा खुद के पास कितना बचा, 2 बचा, ठीक है ना, 2 में 2 जाएगा तो 0 बचेगा, 2 में 2 जाएगा कितना बचेगा, 0, तब क्या वैल्यू हो गई टोटल, हमारी वैल्यू हो गई 92, ओके, समझ में आया होगा, शिवम समझ में आया, यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ऐसे थोड़ा वो देखते रहेंगे बीच बीच में, थोड़ा सा क्या होगा, मैथ स्ट्रांग हो जाएगी हम लोग की, शिवम बेटा आप हमको रिवर्स ऑर्डर में जो है काउंटिंग करके दिखाओ, 10 to 1, हम अभी तक क्या पढ़े हैं, 1 to 10 पढ़ते आए हैं हमेशा, यस सर, रिवर्स ऑर्डर में पढ़ के सुनाओ हमको, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, 20 से आओ वापस 10 तक रिवर्स, 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड शिवम, चलिए अब बच्चों हम लोग देखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी शिवम, हाँ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, वेरी गुड, इसको हम पहले क्या कर लेंगे, 4 plus 2 6, 6 टेंस हो गए बेटा, ये पहले बात हम लिख देंगे, 6 टेंस है कि नहीं,
है ना। अब इसको हम लिख लेते हैं 60 हो गया। और दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका देख लो अनदर वे, हम क्या लिखते हैं 410 को 40 लिख दें प्लस 210 को लिख दें 20, तभी क्या आएगा हमारा वैल्यू, तभी हमारी वैल्यू आएगी 60 तो आना ही है जैसे भी करोगे, ठीक है ओके। यस सर। हाँ शिवा मिटा क्या लिखा हुआ बताओ। ये 12 ones तो शिवा मिटा बताना हमको है इसको करना क्या है, इसमें सुनो हमको इसको टेंस और वंस के फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, टेंस और वंस के फॉर्म में। तो कैसे करेंगे बच्चों बताइए। टेंस और वंस फॉर्म में ट्वेल्व वंस को हम वंस और टेंस और वंस के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। तो देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे कितने वंस टेंस हैं, वन टेंस है और वंस कितने हैं टू, देन हम क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं 110 प्लस 2 ones है कि नहीं शिवम बेटा, समझ में आया ये बात। यस सर। हाँ बेटा अब हम किसी को भी क्या कर सकते हैं टेंस वंस में चेंज कर सकते हैं, जैसे अब आ गया हमारा थर्टी टू वंस को बेटा चेंज करो, 32 ones को चेंज करो वंस और टेंस में जल्दी से आ रहे हैं। आंसर 32 ही होगा। आंसर 32 होगा। हाँ बच्चों आंसर 32 ही होगा। हाँ बच्चों 32 होगा, बट हमको बताना है किसको वंस और टेंस के फॉर्म में, अभी जैसे बताया था वंस और टेंस के फॉर्म में उसको बताइए क्या होगा। देखिए बच्चों हमने बताया ये वंस की प्लेस है, ये हाँ 3 tense होगा और 2 ones होगा है ना ओके। यस सर। चलिए ठीक ठीक यस सर।